एक चीज़ हम देख रहे हैं आजकल लाइक like, कि डाइवर्स का जो रेट है वो बढ़ रहा है आई मीन इट इज़ अ गुड थिंग मैं तो उसको बुरी नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता कि यू नो अगर नहीं है कम्पेटेबिलिटी इश्यूज हैं तो उससे अच्छा है बंदा रास्ते अलग करे बट तो आपको क्या थीक थीक लगता है कि ये जो अभी मतलब है ये जो एक स्पाइक आया है उसके अंदर हम देख रहे हैं इसकी वजूहत क्या है लाइक वट डू थिंक लाइक हर एक इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है ना हाँ बिल्कुल है एक तो सोसाइटी में पहले ये बहुत रेयर था इफ़ समवन वॉज़ गोइंग थ्रू इट ना तो लोग छुपा देते थे mm -hmm. और उसको हाइड करते थे और बहुत बुरा समझा जाता था फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा होने लग गया कि अब तकरीबन हर दूसरे घर में आप जाओ तो आपको पता चलता है कि किसी की बेटी या किसी की बहन डिवोर्स्ड है और घर बैठी है और सिंगल है एंड शी इज़ ट्राइंग टू सर्वाइफ तो इस वजह से Um, अब उसके रीजंस बहुत से हो सकते हैं mm -hmm. उसमें अच्छे रीजंस भी हैं और गलत रीजंस भी हैं द गुड रीजंस आर दैट अगर वाकई में एक बहुत ही एब्यूज़िव हस्बैंड है फिज़िकली भी हो सकता है इमोशनली भी हो सकता है और बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर पहले बर्दाश्त करने को बेटियों को कहा जाता था और फिर फाइनली uh, अब वो वाला ट्रेंड आ गया कि जहाँ माँ बाप ने कहा कि नहीं इफ़ यू आर नॉट

वो नहीं कर रहे वो ऐसे नहीं मान रहे तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चल रहे बस वापस आ जाओ तो वो जो घर बसाने की और घर को अपने रिलेशनशिप को निभाने वाली जो एक बर्दाश्त होनी चाहिए आजकल की लड़कियों में वो भी कम होती जा रही है जिसकी वजह से कई दफ़ा बड़े अच्छे घरों से लड़कियां निकल के वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हैं कि हम नहीं रहना चाहते सो एंड दे थिंक क्योंकि हमारी हम हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बिल्कुल um, मैं जो हूँ आई कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ इवन विदाउट दिस पार्टनर तो दे जस्ट ब्रेक इट ऑफ विच इज़ नॉट राइट ऑफ कोर्स तो आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन अब uh -huh. मैं दोनों एक्सट्रीम्स आपको बता दी ठीक है एक एक्सट्रीम वो जहाँ पे औरत को वाकई में हक़ था लेकिन uh -huh. वो सोसाइटी के डर से वो हक ही नहीं लेती थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत ही एब्यूज़िव हस्बैंड से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई जान है ठीक है तो और जब मैं उनकी आई एम नॉट ये नहीं कि वो मेरी दोस्तें हैं या मैं उनको जानती हूँ तो मैं उनको फेवर कर रही हूँ वाकई में वन आई लिसन टू वेर सेंग तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो मैं तो मर जाती जब मुझे पता चलता मेरी बेटी के साथ वो कुछ हुआ जो मेरी दोस्त के साथ हुआ है ठीक है सो so, इसलिए Uh, दूर से देख के ये सोचना कि नहीं नहीं इसने डिवोर्स लिया है इस औरत ने इसी की गलती होगी या नहीं वो लोग तो शायद अच्छे थे यू कैन नॉट जज सिचुएशन अनलेस योर ओन डॉटर और योर सिस्टर इज़ एंड देयर मैं हमेशा हर एक को ये कहती हूँ एवन मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला कि देखें आपने रिश्ता तोड़ दिया ये आपका सबसे बड़ा फेलियर था आपका हस्बैंड अगर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता था तो उससे नीचे हर चीज़ पर ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था टू समस्टेंट आई एम अग्रींग विम यस देकिन मैं फिर ऐसे लोगों को कहती हूँ कि जो बारह तेरह साल मेरी शादी के गुजरे मैं चाहूंगी कि आप अपनी बेटी ना उसी प्रोसेस इसी प्रोसेस से जरा बारह तेरह साल गुजारे ना गुजर खुद गुजरेस खुद कोई औरत बोले तो खुद गुजरे <laughs> वरना वो अपनी बेटी को भेजते अगर उसके ख्याल में बहुत अच्छा रिश्ता था और मैंने नहीं निभाया तो प्लीज आप अपनी बेटी को भेज दें या अपनी बहन को भेज दें hmm. और फिर मैं देखूंगी कि बारह तेरह साल क्या वो वापस आके आपको नहीं कहेगी कि मैं कहाँ हूँ और मैं किस तरह हूँ ठीक है, है, है. So, सो पे गुजरती है ना उसको पता, पता है तो आई हैड सम वेरी हैप्पी मेमोरीज इन माय मैरिज एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इट डेंट वर्क आउट एंड आई कीप सेइंग दिस आई एम सम्बडी हु वॉज ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज कि आई हैव टू मेक थिंग बेटर आई हैव टू मेक थिंगस वर्क एंड आई गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप मे बी अगर मैं और ज़्यादा एफर्ट करती जितनी मैंने की मैंने की शायद थोड़ा सा रूम रह गया लेकिन इससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकती थी अच्छे तो अगलों ने भी करनी होती है ना या, या, तो अगर एक्जैक्टली सो exactly. so, उसके बाद फिर ठीक है टम अल्लाह बेहतर जानता है क्या अच्छा mm. हुआ क्या बुरा हुआ सो बट आई एम लिविंग विद माई डिसीजन एंड आई एम डूइंग इट विद मच बैलेंस इन माई लाइफ एज़ आई कैन